कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं इनक्यूबेटर के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। पहले दिन से लेके एंड वाले दिन तक जब तक चूजा नहीं निकलता, मैं आज आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें जी दोस्तों, इनक्यूबेटर के मशीन के पास चलते हैं जी। तो दोस्तों, हम इनक्यूबेटर मशीन के पास आ गए हैं। ये आपको सामने जो है ना इनक्यूबेटर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये देखें, एग्स पड़े हुए हैं। आज तकरीबन हमें अंडे रखे हुए 19वां दिन हो गया, एक दिन रह गया चूजे निकलने वाला, ठीक है। सुबह इंशाल्लाह लजीज चूजे निकले होंगे। ये टेम्परेचर ज़रा चेक करें, टेम्परेचर 37.6 पे चल रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताता चला जाऊं कि इनक्यूबेटर में एग हैचिंग करने के लिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर जो है ना, ये देखें, अभी थोड़ा सा 37.4 पे गया है, तो अंदर जो है ना बल्ब ऑन हो गए हैं हीट को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 37.67, ठीक है, यानी कि 8 तक चाहिए होता है। इससे ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, मुकम्मल 20 दिन तक जो है ना टेम्परेचर हमें यही चाहिए, ठीक है। तो अभी जी, तो दोस्तों अभी इनक्यूबेटर मशीन को ओपन करते हैं और अंदर अंडों की ज़रा सिचुएशन ज़रा चेक करते हैं जी। तो दोस्तों, ये देखें, मशीन को मैंने ओपन कर लिया, ये देखें, ठीक है, आपको सामने अंडे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, ये पानी नीचे ज़रा चेक करें, एंड वाले दिन चल रहे हैं इसलिए मैंने जो है ना पानी ज़्यादा रखा हुआ है। इसके लिए नमी जो है ना एंड वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए पानी ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी ये कुछ कुछ अंडे बिल्कुल नरम हुए पड़े हैं क्योंकि बच्चे निकलने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताता चला जाऊँ कि आपने अगर इनक्यूबेटर मशीन लेनी है, ठीक है, तो उसमें अंडे कैसे हैचिंग आपने करवानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, आप सबसे पहले मशीन ले आए, ठीक है, मशीन ले के आनी है आपने। उसके बाद आपने अंडों का बंदोबस्त करना है, ठीक है। आपने अंडों का बंदोबस्त भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने जितने भी अंडे रखने हैं मशीन में रख देने हैं, ठीक है। मशीन कोशिश करें, अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाएं, नहीं बना सकते तो बाज़ार से उठा लें, ठीक है, बाज़ार से नहीं ले लें, ठीक है। ये मशीन हमने खुद बनाई है, इंशाल्लाह अज़ीज़ एक वीडियो हम इनक्यूबेटर मशीन बनाने पे भी बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे इनक्यूबेटर मशीन को बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखें, फ़र्ज़ करें जी आप मशीन ले आए हो, ठीक है, अंडे भी आप ले आए हो, ठीक है। आपने क्या करना है जी, उसका टेम्परेचर दुकानदार से ही सेट करवा लेना कि भाई हमें टेम्परेचर सेट करने का नहीं पता, हमें बता दो, या जो है ना हमें सेट करके दे दो, ठीक है। वो आपको सेट करके दे देगा, ठीक है। आपने घर में मशीन लेके आनी है, मशीन को किसी ऐसी जगह में रखना है, देखें ये देखें मैंने कोने में रखी हुई है, ऐसी किसी जगह में रखना है कोने में, जहाँ पे जो है ना बच्चे बुच्चे आके उसको मशीन को छेड़े ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, मशीन को ऑन करना है, उसमें अंडे रखने हैं। अंडे रखने के बाद जनाब आपने उसमें पानी लाजमी रखना है, ठीक है। पानी रख दिया, पहले दिन जनाब आपने रख दिए अंडे, ठीक है। आपने क्या करना है, जो ही शाम होगी, शाम का आपने एक टाइम मुकर्रर कर लेना है, 6 बजे या 7 बजे या 8 या 9 बजे, कोई एक टाइम आपने मुकर्रर करना है। उस टाइम पे आपने क्या करना है, अंडों की साइड्स चेंज करनी है डेली, ठीक है, 2 टाइम, सुबह और शाम को, ठीक है। ये साइड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने अंडों के ऊपर एक साइड पे निशान लगा लेने हैं, ठीक है। फिर आपको ईजी होगा कि अंडों को रोटेट करते हुए आपको पता चले कि अंडे की साइड हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिहाजा वो साइड बिल्कुल सही चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपने उनके ऊपर निशान लगा लेने हैं मार्कर के साथ, ठीक है। जो ही मार्कर के साथ निशान लगा लेंगे तो आपने डेली शाम को आपने साइड चेंज कर ली, फ़र्ज़ करें जी 7 बजे, फिर आपने सुबह भी जो है ना 7 बजे ही अंडों की साइड चेंज करनी है। और कोशिश ये करनी है कि मशीन को ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है, फौरन साइड्स अंडों की चेंज करके मशीन को जो है ना आपने बंद कर देना, ठीक है। तो पानी जो है ना आपने चेक करते रहना, पानी जो ही कम हो पानी उसमें डालते रहना, ठीक है। तो आगे इसके बाद जनाब आपने, अगर आप बिजली और बैटरी पे दोनों पे चलने वाली मशीन आपने लेनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में माशाल्लाह से आपको पता है बिजली की लोड शेडिंग होती है, ठीक है।
जो ही बिजली जाए आपने क्या करना, ये देखें जैसे मैंने ये बैटरी रखी हुई है, आपके पास भी बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। बैटरी पे आपने मशीन को फौरन से ऑन कर लेना। जो ही बिजली आ जाए आपने, ये देखें मैंने चार्जर लगाया हुआ है, जो ही बिजली आए आपने मशीन को जो है ना चार्जिंग पे लगा देना, और इसको तब तक चार्जिंग पे लगे रहने दें कि जब तक बिजली नेक्स्ट ना आ जाए। जो ही बिजली जाए मशीन की तारें इस तरह से पकड़ें और इसकी तारें उतारें चार्जर की और इधर तारें लगा दें, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको फुल जो है ना पता चल गया होगा कि अंडों की हैचिंग इनक्यूबेटर में कैसे की जाती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैंने जितनी भी दी है बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, सबका ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।